नमस्कार सभी प्यार प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अरविंद यादव, APS क्लासेस कुड़वार। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये आस जरूर होगी कि हम लोगों का रिजल्ट यानी यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा, उसका क्या पूरा मामला है, ये बात समझने का प्रयास करेंगे। और रिजल्ट के बारे में और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई स्कूल में जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, मैथ का पेपर, उसमें क्या दो अंक सबको मिलने वाले हैं, एकदम फ्री के अंक मिलने वाले हैं, वो आखिरकार किस क्वेश्चन पे कहाँ पर। तो हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ गणित। तो जैसे कि गणित में क्या हुआ था, गणित में जो बच्चे सेट आई ए जिनका सेट रहा होगा संकेतांक में, उन्हीं पेपर के बच्चों के लिए जो कॉमन मार्किंग होने वाली है, कॉमन मार्किंग दो जगह पे, ये काफ़ी वायर मतलब कल जो है इसकी चर्चा पुष्टि हुई तो उस बात सामने निकल के आई कि दो नंबर जो है वो सबको मिलेंगे। आखिरकार वो दो नंबर कहाँ पर मिलने वाले हैं। एक नंबर तो आपको ध्यान होगा कि जो 17 यानी कि 20 नंबर के MCQ आते हैं क्वेश्चन, जो ओमार शीट में भरनी होती है आप सभी बच्चों को, तो उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसके चारों के चारों ऑप्शन जो है वो गलत थे। तो इसका मतलब एक अंक यहाँ पर मिल जाएगा और उसके बाद एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था उस पर एक अंक दिया जाएगा सभी बच्चों को कॉमन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे था। अगर आप बीच में बात करें सेट ये जिनका आई ए है सेट संकेतांक, उन्हीं बच्चों के लिए है ये, सबके लिए नहीं। अगर जिनका सेट बदल गया हो वो भी खुश हो जाए कि नहीं मेरा भी दो नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सेट आई ए पर बढ़ेगा, तो ये बात पक्का है कि ये दो अंक सबको मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो MCQ का था उसके चारों ऑप्शन गलत इस वजह से मिलेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस था उस पर मिलेंगे। अब बात आती है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। एक रियल एक्चुअल फैक्ट बात ये है कि यूपी बोर्ड में जो कापियाँ चेक हो रही थी वो 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में कहा गया था सारी कापियों का मूल्यांकन हो जाए। तो 16 से तो स्टार्ट हुआ, 16 17 18 तक हुआ कापी चेक, एक दिन बहिष्कार में चला गया मूल्यांकन बहिष्कार, अर्थात वहां पर नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जैसे अपने सुल्तानपुर जिले की बात कर रहे हैं तो केश कुमारी GIC और महाराणा प्रताप उत्तरी और कादीपुर विद्यालय, मतलब चार विद्यालयों में कापियाँ थी, तो इन चार विद्यालयों पे यहाँ पर मूल्यांकन रद्द था उस दिन 19 तारीख को, 19 को। तो एक दिन का वो घाटा हो गया, तो एक दिन घाटा होने का मतलब बहुत सारी कापियाँ नहीं चेक हो पाई, तो उसका भी कारण था, सरकार कुछ चीज़ें मानने से इनकार कर रही थी, इस वजह से बहिष्कार हुआ। तो अभी तक नॉर्मली जो कापियाँ हैं, आज अगर 28 तारीख है तो कापियाँ लगभग चेक हो चुकी हैं, तो ये कापियाँ चेक हो चुकी हैं, यानी 31 मोटा हिसाब मान लें 31 तारीख तक ये चेक फाइनल हो गई, क्योंकि हम लोगों ने भी कापियाँ देखी चेक की अपना बायो ग्रुप का, तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का तो 22 को ही कंप्लीट हो चुका था, यानी 16 से स्टार्ट हो 22 तक ख़त्म हो गई, तो यहाँ तक तो हाई स्कूल की भी कापियाँ लगभग फिनिश हैं। तो अब इनको कम से कम 2 सप्ताह या 2.5 सप्ताह लगेगा उसका ओमार जो है चढ़ाने में, यानी कि आप मान के चलिए 25 के बाद, 25 अप्रैल के बाद, तो 25 अप्रैल के बाद इनका रिजल्ट जो है वो 27 अप्रैल तक आने की पूरी संभावना है। 27 अप्रैल इंटर और हाई स्कूल दोनों की, और सबसे बड़ी बात कि हाई स्कूल में दो अंक सबको मिलने वाले हैं, और रिजल्ट जो है वो 27 अप्रैल तक हर हाल में आपके सामने होगा, हाई स्कूल का भी और इंटर का भी, क्योंकि मूल्यांकन लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट जो 10 वाले थे वो अगले क्लास की तैयारी बिल्कुल करना शुरू कर दें अप्रैल से, उनको अगर कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दें, और या फिर जैसे जहाँ पर जिस स्ट्रीम में जाना हो उस स्ट्रीम की व्यवस्था अपनी शुरू कर दें, क्योंकि हाई स्कूल में कोई फेल होने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।